हेलो। हेलो लाइव हुई नहीं यार। हाय यार, इसमें मैसेज नहीं दिखाई दे रहे हैं। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? हाय फाय गुरुजी, आवाज़ आ रही है क्या? चेक करो। चेक करके बताओ आवाज़ आ रही है क्या? अब ठीक है, शायद आवाज़ भी आ रही होगी। और अब ठीक है, शायद आवाज़ भी आ रही होगी। हम यहाँ से कमेंट चले गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से कमेंट चले गया। अरे पता नहीं रहता यार, फर्स्ट टाइम करते हैं दो। दूसरी बार कर रहे हैं, एक बार तो पहले कर लिया, आवाज़ की झंझट रह गई यार। चलो ठीक है, अब करो ये जो भी है, कौन कौन है मैसेज करो अब। तो कौन कौन आ गए? मांगीलाल, मीना, सिंगर विकास, कोंडिल, और हाई फाई गुरुजी। और कौन कौन आ गए इसमें? केसर सिंह, राम राम जी, हितेश कुमार, गुड आफ्टरनून, मांगीलाल, मीना, विकास, बूंदी, हाय। इसमें मैसेज आ रहे हैं, इनको बंद करने का कोई ऑप्शन है क्या? हाई फाई गुरु जी, कहाँ से करूं? चेक करता हूँ एक बार। चलो ठीक है, चलने दो। चलो कौन कौन जुड़ गया, मैसेज कर दो एक बार। मैसेज करो कौन कौन जुड़ गया। पीयूष जुड़ गया, और कौन कौन है? पीयूष कुंटल, हाय, हाय फाय गुरुजी। विजय, क्या लिखा है सर मैसेज, किसके आ रहे हैं? सिंगर विकास, कोंडली लिखा है, क्या लिखा है इसने? पीयूष कुंटल, पीयूष कुंटल क्या कह रहे हैं? फिर है मांगीलाल, मीना, हाय सर, हाय, कैसे हो? बताओ क्या चल रहा है आपका? कौन कौन से क्लास से हो? क्लास बताओ अपनी, कौन कौन से क्लास से हो? आलिया खान, हाय गुरुजी, हाय, प्रणाम गुरुजी। अच्छा, शिवराज माली, अनु मुजीक, और पुष्पेंद्र है, मांगेलाल, मीना, कक्षा 12-8 का। तो बताओ कौन कौन से तो सब्जेक्ट हैं और किस प्रकार से तैयारी चल रही है आपकी, थोड़ा बताएं ध्यान। मारवाड़ी सन्ना आवा है केरा, समझ में आ जाएगी कि मारवाड़ी। आलिया खान क्लास 12, कैलाश प्रजापत, हाय। हाय फाय गुरुजी आवे है। चलो ठीक आवे, तो बताओ के तो तैयारी चल रही है थारी, आर के कर रहा हो? स्कूल तो बंद होगी नए साल तक, है ना? सुबह नोटिफिकेशन आ गयो तो भी मैं स्कूल बंद होगी, स्कूल तो बंद ही होगी गे, है ना? तो अब दिसंबर दिसंबर और बंद होगी, 1 जनवरी में खुलसी स्कूल। नमस्कार गुरुजी, सर पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी अच्छी चल रही है, पीयूष कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ध्रुव शर्मा कह रहे हैं सर स्कूल नहीं खुलेंगे क्या? ये मैं कह रहा हूँ कि नए साल नहीं खुलेगी अब तो, भाभी खुलेगी तो बंद होगी स्कूल,
पहले से मार्च से ही बंदी चल रही है, मस्त चल रही है पढ़ाई, बहुत अच्छी बात है। विद ओनली मोटिवेशनल वीडियो मस्त चल रही है, और महर म्यूजिक कंपनी कह रहा है जी। तो इसमें हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 1 दिसंबर से लेकर कब तक, 30 दिसंबर तक स्कूल बंद का नोटिफिकेशन आ गया है, गाइडलाइन आ गई है, तो ये बंद रहेगी, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं कि नए साल से खुले या नहीं खुले। अब दूसरी चीज़ इसमें एक और है कि बोर्ड की जो परीक्षा है वो 101% होगी, पक्की परीक्षा होगी, ध्यान रख लेना, पक्की परीक्षा होगी। तो अब उसकी तैयारी किस प्रकार से आप कर रहे हो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ कि हमारी तैयारी ऐसे चल रही है। एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा कि जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं आर्ट के, इसमें कुछ कहा कि आपकी वजह से बहुत अच्छी चल रही है, पीयूष कह रहे हैं बहुत धन्यवाद भाई, मेरी वजह से चल रही है तो कैलाश शेखर कहते हैं अरे गुरुजी मारवाड़ी नहीं आवे तो काई आवे, बिल्कुल। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करो, अच्छा लगेगा, है ना। राजनीति के 3-4 पाठ बाकी हैं, अपलोड करोगे? हाँ, राजनीति के 3-4 पाठ बाकी हैं, उससे पहले मैंने ज्योग्राफी के कुछ नोट्स बनाए हैं, अभी ज्योग्राफी का काम चल रहा है। ज्योग्राफी में मेरे को 3 दिन और लगेंगे क्योंकि मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल के नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है। मात्र 200 रुपये में मैं एक सब्जेक्ट के नोट्स दे रहा हूँ, और वो आपको गूगल पे और फोन पे से मेरे तक 200 रुपये पहुँचाने होंगे। और उसके बदले में देखो, आप तो ये मेरे को मैसेज आ रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट का आपका टाइम लूँगा। देखो, आप बहुत से मैसेज ये आते हैं और ये कहते हो कि गुरुजी मैं तो गरीब हाँ, तो मारकन पिशा को नहीं, और कोई कोई तो यहाँ खाए कि मारकन पिशा थोड़ी लेगा। तो एक बात बताओ, मैं थारकन ही नहीं लूंगा तो मन कौन देगा, है मेहनत कर रहे हो मैं, देखो मन कौन देगा, थोड़ा थोड़ा ज्यादा थोड़ी। अब देखो, इतना पेज बना रखा है मैं, कौन सा विषय का है, हिस्ट्री पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का है, कक्षा 12 का है, इतना पेज बनाए हैं, एक बार थे ध्यान से एक बार देखो। अब ए पेज जब बनाए हैं तो हम देखो कि रिम लाग गई दो, तो हम फोटो कॉपी आ रही, फिर पेन भी लग गया है, मेहनत भी लग गया है ना। तो इम क्यों है कि 200 रुपया मैं ले रहा हूँ, और 200 रुपया मैं थाना नोट्स में दे रहा हूँ हिस्ट्री और पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का 3 दिन बाद में तैयार हो जाऊंगा, ठीक है। तो 3 दिन बाद में क्या करना, ज्योग्राफी का नोट से आपा देना शुरू कर देगा। अभी दो विषय का है आपने कहा, हिस्ट्री और पॉलिटिकल का, ठीक है। अब आंका क्या करना है, थाने 200 रुपया देना है एक सब्जेक्ट का, और वह नोट्स बढ़िया थाने तैयारी करनी है। और दूसरी एक चीज और बताऊं मैं थाने कि नोट्स ले ओ या न ले ओ, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, खुद तैयार कर लियो, चाहे आपने चैनलों पढ़ लो चाहे कोई दूसरों में पढ़ लो, कोई भी दिक्कत वाली बात को नहीं। तो आपके बच्चों जैसे हैं क्या, कहा सर फ्री में दे दो ना प्लीज, हम आपके बच्चों जैसे हैं। बात आपकी सही है, पर बच्चे हैं ना वो भी क्या करते हैं, खाना खाते हैं, उनको भी कुछ देना होता है। अब मैं खुद, अब कोई कोई तो ऐसे कहते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं, हम सर मैं झोंपड़ी में रहता हूँ, तो लगभग ही ज़्यादातर ही गरीब हैं, अमीर होते हैं तो उत्कर्ष का ऐप ले लेते हैं, हम हमारे यहाँ क्या करते, यह तो सभी को पता है। तो यही है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसमें एक नॉर्मल चार्ज लिया जा रहा है, 200 रुपये ज़्यादा नहीं होते, और अच्छे से इसकी तैयारी करनी चाहिए। चलो ठीक है, आप वो बात छोड़ो, लेना है न लेना है, और बताओ अपना क्या चल रहा है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो नोट्स कहाँ से मिलेंगे दोस्तों, नोट्स के लिए आपको फोन पे या गूगल पे से मेरे मोबाइल नंबर है कम्युनिटी में, इस चैनल की कम्युनिटी में आप जाकर देखें, और वहाँ से आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। आपको 200 रुपये उसमें डालने हैं, और उसके बाद में आपको बातचीत कर लेने का मौका मिल जाएगा कम्युनिटी में। और क्या सुनीता यादव जी, हाँ क्या लिखा आपने, और इसमें लिखा विद ओनली मोटिवेशनल, किसको पढ़ने का ज्योग्राफी सब्जेक्ट, लाइव क्लास, पिंटू यादव क्लास 12 साइंस, वेरी गुड। साइंस में डॉक्टर का बेटा हूँ लेकिन मुझे आपकी क्लास अच्छी लगती है, पीयूष कुंटल, वेरी गुड। सबसे पहली बात तो बहुत धन्यवाद कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, और आप एक डॉक्टर के बेटे हो, बहुत ही अच्छी बात है।
और उसके बाद में लिखा है क्या कि हमें यहाँ पर ऑफलाइन क्लास चलाई जा रही है, पर क्यों, कहाँ चलाई जा रही है ऑफलाइन क्लास बताओ ना। फिर उसने कहा है कि गुरु शिखर स्टडी पर क्या है, सुनीता यादव नो लव नो टेंशन सर, मैं बांसवाड़ा से हूँ, नोट्स मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं है। आप ये बताओ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, परीक्षा का क्या माहौल लग रहा है, किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हो, और लॉकडाउन फिर से लगेगा या नहीं लगेगा, जो भी स्थिति है तैयारी की, थोड़ी रणनीति आप बताएं कैसे क्या चल रही है सर। प्लीज मैप समझा दो प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैप मैप मैं जल्दी लेकर आऊँगा, मेरे ज्योग्राफी के 2 4 लेसन और है, बाकी रहे 4 लेसन बाकी रहे हैं, वो नोट्स बन जाएंगे, वो नोट्स बनने के बाद में मैप लेकर आएंगे, बहुत अच्छे से मैप करवा देंगे। पिछले साल भी करवाया था हमने, हिस्ट्री का ज्योग्राफी का अलग अलग मैप करवाया था। पिछले साल तो 10वीं क्लास भी हमने डाल रखी थी, इस बार तो 10वीं का टाइम ही नहीं मिला, सिर्फ 12वीं की तैयारी चल रही है इसमें। हरीश लुक्का, और कोई आपके ज्योग्राफी के नोट्स कब दोगे? ज्योग्राफी के नोट्स में लगेंगे सिर्फ 3 दिन, 4 लेसन बचे हैं मेरे, 3 या 4 दिन लगेंगे। उसके बाद में चैनल की कम्युनिटी में डिटेल डाल देंगे, चैनल की कम्युनिटी में हम नोट्सों की डिटेल डालते हैं। और उसमें कहा कि सर मुझे ओनली मैप में टेंशन है सर, आप प्लीज़ हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मैप समझा दो प्लीज़ सर, मैं बाड़मेर से हूँ। हरीश लुक्का, आरती शर्मा कह रही है कि सिर्फ मैप में दिक्कत है, तो मैप मैप तो करवा देंगे, मैप की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिस्ट्री का मैप भी करवाएंगे अलग से और आपके ज्योग्राफी का मैप भी करवा देंगे, दोनों में मैप आता है, दोनों के करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बताओ, और कोई समस्या आपके हो तो? बस ऐसे मैंने तो देखा कि बच्चों से बातचीत करते हैं, उनका क्या जुड़ने से क्या होता है कि ये रहता है कि ये बच्चे हमारे साथ में हैं। एक कमेंट मारो कि आप कौन सी जगह से हो, मैं भी देख लेता हूँ कि आप कौन सी जगह से हो, बताओ। सर सारे मैप करवा दोगे ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आएंगे वो करवा देंगे, पिछले साल भी हमने करवाया था, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें, इस बार भी करवा देंगे। आरती शर्मा, थैंक सर, आप बहुत बेस्ट हो, थैंक यू आरती। आलिया खान, गुरुजी मैं अजमेर से हूँ, बढ़िया। फिर ध्रुव शर्मा क्या कह रहे हैं, बीकानेर से हैं। पुष्पिंदर क्लासेज ये जयपुर से हैं। हरीश लुक्का, सर हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हमने किताबें मुख जीव रख लिखी है, क्या लिखा उसने? फिर स्टडी हब चैनल पर सब फ्री है। योगी जाट राजस्थान जोधपुर, और विजय मीना ऑफिशियल ये जोधपुर से हैं, सुनील जाट बीकानेर से हैं, और राम सिंह, हाँ सर ज्योग्राफी का मैप जल्दी करवा देना, ज्योग्राफी का मैप करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैप करवा देंगे और हिस्ट्री का मैप भी करवा देंगे, पिछली बार भी करवाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आएंगे। अभी तक तो समस्या ये बनी हुई है कि स्कूल नहीं खुले अभी तक, और हमारी एग्ज़ाम है वो पक्की होने वाली है, तो ऐसे में हमें क्या करना है कि जो ही स्कूल खुलेगी ना तो उसी समय हम मैप करवाएंगे, तो थोड़ा और क्लियर हो जाता है कैसे क्या कितना क्या सिलेबस रहने वाला। वैसे तो 60% ही रहेगा सर, कक्षा 10 के नोट्स है, 10 के अभी मैंने बनाए नहीं है, सिर्फ 12वीं के बना रखे हैं भाई, कोई अवेलेबल होगा तो मैं चैनल की कम्युनिटी में डाल दूंगा। उसके बाद में बीकानेर से सुनील जाट, कैलाश प्रजापत चूरू से हैं, शिवराज माली लाइव वीडियो पढ़ाना चाहता है, और उसके बाद में क्या लिखा है सुनील जाट, सर स्कूल कब खुलेगा? स्कूल तो दिसंबर में बंद हो गए, पूरे दिसंबर ही बंद हो गए, 1 तारीख से खुल सकते हैं, नए साल से 2020 में तो नहीं खुलेगा।
हाय फाय गुरुजी सर, 10% सिलेबस कम होगा क्या? 40 तो कर दियो कि पूरे करवाओगे तुम। सिंगर विकास कह रहा है कब तक डालोगे? क्या मैप की बात कर रहे हो क्या, या किसके? अच्छा 10वीं क्लास वाले बात कर रहे हो। अभी 10वीं वाले तो वो मेरे पास नोट्स हैं नहीं ना, मेन समस्या तो ये है कि मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं खुद तैयार करता हूँ, ऐसे वैसे तो मैं डालता नहीं हूँ। कक्षा 12 के भी मैंने बना रखे हैं, तो मैंने खुद के नोट्स बनाए, खुद अच्छे से उनको रीड किया, फिर जो 2021 का सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग बनाया, फिर वो दे रहा हूँ। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल के नोट्स हमारे तैयार हैं। किसी को चाहिए तो कम्युनिटी में इसकी डिटेल दे रखी है, चैनल के कम्युनिटी में, वहाँ से देख लेना। और ज्योग्राफी के 1-2 दिन में तैयार हो जाएंगे। सर आपकी तरह पढ़ाना चाहता हूँ, क्या करूँ? मुझे किताबें मुख जी रट ली है। हरीश लुक्का, तो आप पढ़ाना चाहते हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, पढ़ाओ। पहले स्कूल में आप पढ़ाओ, फिर ऑनलाइन पढ़ाओ, पढ़ाना अच्छी बात है। और ज्ञान तो जीतो बांटे बीतो ही चोख है। लाइव सही तो आ रही है, गिरा कोई दिक्कत तो नहीं गए? सर मैं स्कूल वाले ऑफलाइन क्लास चला रहे हैं और कंपार्टमेंट जोन में है स्कूल। ये तो गलत है भाई ध्रुव शर्मा, बिल्कुल गलत है। स्कूल वाले शिकायत करो उनकी। फिर 5:30 से इवनिंग के बजे लाइव क्लास लगती है, किसका प्रचार कर रहे हो? शिवराज माली, दिक्कत है। गौरी शंकर, मेरा दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? सुनील जाट सर, मारवाड़ी में बोलो, मारवाड़ी में बोलना गे। चलो शुरू हो जाओ, तो मारवाड़ी में शुरू हो जाओ। आपने तो आपने के लगा है ना, मारवाड़ी भी तो वही है। तो तैयारी कहेंगी के देखो ढंग से तैयारी कर लियो, कोई वह बात तो आत को नहीं आपने कि परीक्षा को नहीं होगी, प्रमोट कर देगा। परीक्षा होगी, प्रमोट होगा को नहीं, तो तैयारी है वह बढ़िया करनी है ना। और कदम जब पिछली बार 2020 में थे, देखा हो गया कि कमेंट करा करता टाबर मारे सागे भी घना जुड़ेड़ा, पास करो और स्टेक प्रमोट और गुजी प्रमोट कर दियो और प्रमोट कर दियो और यह की चीज़ा करता, लेकिन एक ने भी प्रमोट करियो को नहीं। परीक्षा हुई तो वही सिस्टम है कि परीक्षा 101% होगी, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है? तो पर किसके कंप्लेन थोड़ा बताओ सर आप। ऑनलाइन में क्या बताऊँ आपको, तो उसमें पेपर में आप देख लेना, कंपार्टमेंट जोन में जो स्कूल चल रहे हैं वहाँ आप शिकायत कर सकते हो। और क्या क्या है? 7 चैप्टर हिस्ट्री पूरा दोस्त सर, राकेश चौधरी 7 का चैप्टर हिस्ट्री का पूरा दोस्त, 7 का चैप्टर अपलोड कर दिया मैंने प्लेलिस्ट में, देखो पूरा डाल दिया उसमें। लास्ट में हमारा राजस्थान का एकीकरण था, प्रजामंडल आंदोलन था, उसको करवा दिया। सर आप कहाँ से हो? मैं झुंझुनू से हूँ। सर मुझे चैप्टर 3 4 के जानकारी याद नहीं हो रही। जनसंख्या, जनसंख्या के आंकड़े है ना? अच्छा, जनसंख्या के आंकड़े का तो क्या कोई सूत्र तो है नहीं, उनको तो थोड़ा रटना पड़ेगा। 1-2 बार आप पढ़ो, 1-2 बार लिख कर पढ़ो, शायद हो जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करने से होगा। हिस्ट्री पॉलिटिकल क्या लिखा है इसने, तो ऐसे करना पड़ेगा भाई। नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो आपको कम्युनिटी में, इस चैनल की कम्युनिटी में आप जाओ, वहाँ जरूर आपको कोई सूचना मिलेगी। और फिर फ्री में सर पॉल्यूशन वाले चैनल लर्न नहीं हो रहे हैं ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में लर्न नहीं हो रहे हैं, तो भाई इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? चलो देखता हूँ, कोई ट्रिक देखता हूँ उसकी, वो डालेंगे। ये तो सर जी हिंदी को नहीं पढ़ाओगे क्या? हिंदी अनिवार्य, हिंदी आप थोड़ी तो करवा दी, शायद 2 लेसन करवा दिया, 3 लेसन में करवा दिया, ऐसे करवा दिया। हाई फाई गुरुजी पूछ रहे हैं, अनिवार्य हिंदी के मैंने 2-3 लेसन करवा दिए, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें।
और मैं बता रहा हूँ कि मेरा मेन फोकस रहेगा हिस्ट्री पॉलिटिकल और ज्योग्राफी पर। हिस्ट्री पॉलिटिकल के नोट्स तैयार कर लिए, ज्योग्राफी पर अभी काम चल रहा है। तो ये होने के बाद में, ज्योग्राफी होने के बाद में अनिवार्य हिंदी शुरू करेंगे हम, ठीक है। हाई फाई गुरु जी, 2-3 करवाए। हाँ, 2-3 करवा दिए मैंने, मेरे भी ऐसा ध्यान में है, 2-3 लेसन करवा दिए। वाकई ज्योग्राफी के बाद में अनिवार्य हिंदी की बारी है। सर, मेरा नाम कशिश शर्मा है और मैं राजगढ़ से हूँ, सादुलपुर से। बढ़िया बात है, नजदीक सी है तू तो। सर, मैं आपकी तरह पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने किताबें मुख्य मुख जवानी रट ली है और पिछले साल स्कूल में पढ़ाता था, उस समय में गणित पढ़ाता था। इस वर्ष भी हमारी ऑफलाइन स्कूल चालू है। हरीश हरीश जी कह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाओ। आप मुख जवानी रट ली है तो बहुत ही बढ़िया बात है। देखो, ज्ञान को जितना आप काम में लोगों काम में लेते हो, उसका जितना आप मान सकते हो कि ये तो क्या है कि एक दूसरे से बांटने से बढ़ता है, ये घटता तो है नहीं। तो इसमें क्या कि हमें भी वो चीज़ याद होती है। तो ये चीज़ें हैं, इनको आप जरूर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ सकते हो, आप यूट्यूब के माध्यम से आ सकते हो, ऑफलाइन तो आप पढ़ाई रहे हो। फिर विजय मीना ऑफिशियल कह रहा है, हाय शिवराज माली, हिस्ट्री की सर कोई मोटिवेशन वीडियो। देखो, मोटिवेशन वीडियो की बात करो तो मोटिवेशनल वीडियो का नाम से आपने प्लेलिस्ट है। देखो, चैनल की प्लेलिस्ट में अगर थे जागा तो जरूर क्यों ना क्यों मिलेगा जी। उम्मीद का स्वागत है, जागा ना भीम थाना जरूर बो को वो मीटर मिल लगो। तो मोटिवेशनल की प्लेलिस्ट है वह बनाए रखी है। तो बट्ठा जाकर थे, देखो मोटिवेशनल वीडियो का नाम हो, आपने कहा देखो पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं, बोर्ड टॉपर कैसे बनो, उसमें टिप्स दी गई हैं और उन टिप्स को फॉलो करें और फिर वो आपके क्या है कि अधिगम आपकी जो लर्निंग है वो जल्दी होगी, याद आपके जल्दी होगा। सिलेबस कम 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 होगा क्या, रवि शर्मा कह रहे हैं। तो सिलेबस तो ऐसा है कि 60% ही पढ़ना, 40 तो हो गया। अब मुझे तो नहीं लगता है कि और कम होगा। फिर प्रियंका शर्मा, सर प्लीज़ प्रैक्टिकल डेट बता दीजिए यूपी बोर्ड वालों का। यूपी बोर्ड का प्रैक्टिकल का मुझे पता नहीं, आप सर्च कर लेना, गूगल पर सर्च करके देख लेना, मुझे पता नहीं, यूपी बोर्ड का मुझे पता नहीं। फिर रवि शर्मा, सिलेबस कम होगा क्या, तो अब तो नहीं होगा, सिलेबस कम नहीं होगा। तो और अगर आपके कोई सवाल है तो ठीक है, अब लाइव को बंद करते हैं, आधा घंटा की हो गई। ऐसे मेरे तो बस बैठे बैठे ये हो गया कि चलो बच्चों से मिलते हैं, उन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 15-20 दिन से आपके बीच में लाइव आ जाते हैं, चैनल पर मैंने तो दूसरी बार लाइव किया है, तो इससे एक दूसरे से ये कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। आरती शर्मा, नहीं सर, सर स्कूल कब खुलेंगे। मोहित कह रहा है, स्कूल की तो मैं बता चुका है कि नई साल नहीं खुलेंगे, अब तो खुलेंगे तो 2020 में तो खुलेंगे नहीं। डूंगर राम गर्ग कह रहा है, कैसे हो सर, मस्त हूँ भैया, एकदम बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत आ रही बात को नहीं। सर, क्लास 12 हिस्ट्री का सिलेबस कम हुआ क्या, कम हुआ है, हाँ 40% कम हुआ ना, 40% कम हो गया, 60 ही तो पढ़ना है। सर आप कैसे हो, बालाराम परमार, ठीक हूँ भाई, जल्दी लाइव कर रहा हूँ, बढ़िया हूँ, ठंड पड़े लगी है, ध्यान रखियो थारो भी। ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल कब होंगे सर हमारे, प्रैक्टिकल तो जब होंगे ना जब स्कूल खुलेंगे, स्कूल ही नहीं खुल रही है, समस्या तो यही हो रही है ना। सबीर कह रहे हैं, हेलो सर, हेलो, हाई फाई गुरु जी, अर्धवार्षिक परीक्षा कब होगी। बढ़िया सवाल है तेरो, अर्धवार्षिक परीक्षा जनवरी में अपने स्कूल खुल लगे, जनवरी तक तो खोल ही लेना, और जनवरी में खोलने के बाद में जनवरी या फरवरी में मान लो कोई ना कोई जल्दी करवा देगा, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और वो एक दूरदर्शन का माध्यम वो है ना, दूरदर्शन, कौन सा टेलीविजन, टेलीविजन अभी पर भी शिक्षा दे रहा है, बताएं
तो कई सिस्टम ही आम के कि वह आपको काम निकाल लग रहे हैं भैया। तो परीक्षा होगी और अर्धवार्षिक भी होगी और वार्षिक भी होगी। मस्ती गमिंग लेब वर्क ये सब स्कूल खुल जाए तो होगा। परीक्षा मार्च में ही होगी ना, मुश्किल है मार्च में, तो अप्रैल में ही फिर पकड़ सके, मार्च में तो मुश्किल है। लाइव क्लास पढ़ने का मज़ा आता है, मज़ा नहीं आता, ये मज़ा नहीं आता। लाइव क्लास में क्या है कि टाइम ज़्यादा ख़राब होता है। मैं अगर लाइव क्लास लेकर आता हूँ तो आप सभी के नाम बोलूँगा, आप दूसरे एक दूसरे को देखोगे कि ये लिख रहा है, ये लिख रहा है, ये सिस्टम है। तो इसमें क्या है कि पढ़ने वाले होते हैं ना, वो सर्च करते हैं वीडियो, और एक शॉर्ट वीडियो होता है उसको देख कर है ना, फिर वो अपनी किताब से पढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा सिस्टम होता है। और लाइव में तो क्या होता है कि जैसे मैं आपको अब कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि मैंने पॉलिटिकल या ज्योग्राफी के मैंने ये लेसन ले रखे हैं, ठीक है। तो इसमें आप सपोज करो कि अगर मैं इस बोर्ड पर लाइव लेकर आऊँगा तो मैं आप लोगों के, जैसे कि इसमें एग्जाम कब होंगे 12वीं के, और इसमें 10वीं की परीक्षा कब होगी, भाई बाड़मेर जिले में सबीर पूछ रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या है कि टाइम खराब हो जाता है इसमें, है ना। और शॉर्ट वीडियो होता है ना, उसमें बिम के है कि मजो तो कम आवे पर पढ़ाई ठीक हो अभी, है ना। तो लाइव में कोई आना जाने को नहीं भाया। और कोई सवाल ही तो थे बता उसको, नहीं तो आपने लाइव अभी बंद कर सिया, काफी टाइम हो गया है ना। और कोई सवाल है तो बताओ, और कोई सवाल है तो थारो पूछ सको हो। सर मैं ऑनलाइन कैसे, हरीश लुक्का क्या लिख रहे हैं सर, टेस्ट सीरीज कब से चालू करेंगे। टेस्ट सीरीज में अभी मोहित पूछ रहा है टेस्ट के लिए, तो मैं देखो अभी ज्योग्राफी के मैं बता रहा हूँ कि चार तीन चार लेसन मेरे बकाया है, पहले वो मैं तैयार कर रहा हूँ। उसके बाद में मेरे पॉलिटिकल के चार लेसन बकाया हैं, वीडियो अपलोड नहीं किए मैंने, वो करवाने हैं। उसके बाद में मतलब कि दिसंबर के लास्ट से टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे हम। मैं बांसवाड़ा से हूँ, नोट्स मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल मिल जाएंगे, नो लव नो टेंशन, नाम क्या रख रखा आपने, मिल जाएंगे सब। इस चैनल की कम्युनिटी में आप जाना, देखो कई मिल जाएंगे, कई नोट्स देने वाले भी मिल जाएंगे, कई कई चैनल है, कहीं से भी आप ले ले सकते हो। सर गुड आफ्टरनून, मैं लोकेंद्र सिंह, गुड आफ्टरनून भैया। सबीर जवाब, हाँ सबीर क्या पूछा आपने। सर एग्जाम कब होंगे बोर्ड के, प्लीज रिप्लाई। तो बोर्ड के एग्जाम है वो अप्रैल मई में हो सकते हैं, उससे पहले तो नहीं होंगे। आई एम फ्रॉम अजमेर राजस्थान, शिवराज माली, वेरी गुड शिवराज। आलिया खान कोई सवाल नहीं है गुरुजी, बस आप हमें सपोर्ट करते रहें। बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे, पढ़ते रहो, पढ़ने वाले के मैं पिछले साल के मैं आपको बताता हूँ सर, हम किसान भी है, बहुत अच्छी बात है, किसान आंदोलन भी चल रहा है। किसान होना कोई बुरी बात नहीं है, सभी किसान ही है, ज़्यादातर किसान है भाई, आप ही नहीं, हमारे तो खुद खेती बाड़ी करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था पिछले साल की मैं बात बताता हूँ आपको कि दो तरीके के बच्चे, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि मैंने दो तरीके के बच्चे देखे। एक में तो क्या हुआ कि चार पेपर शायद 10वीं के, 12वीं के भी दो तीन बकाया रह गए थे, चार पेपर 10वीं के हो गए थे, दो बकाया रह गए थे। अब उसमें क्या हुआ कि जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनके तो टेंशन हो गई कि दो पेपर न जाने कब होंगे। अब जो नए पढ़ने वाले बच्चे थे वो ऐसे लगे हुए थे कि हमें प्रमोट चाहिए, हमारी तो जान निकल जाएगी, कोरोना काल चल रहा है, हमें प्रमोट प्रमोशन चाहिए, हमें एग्जाम नहीं होने चाहिए, पास करो वो करो, ऐसे लगे रहे। और जो पढ़ने वाले थे वो चुपचाप क्या थे, शांति से उन्होंने तैयारी की। अब एग्जाम तो होना ही था, जैसे बच्चे मानते नहीं है ना, अगर ये कहो कि परीक्षा नहीं होगी तब तो वो बच्चे खुश रहते, और ये कह देते कि परीक्षा 101% होगी
तब ये कहते हैं कि ये तो झूठ बोल रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा पकड़ते हैं कि नहीं होगी तो खुश हो जाते हैं, और होगी तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि अरे ये तो झूठ बोल रहा है। अब जिसको पढ़ना था उसने तो तैयारी शुरू कर रखी थी, अपनी पढ़ाई शुरू कर रखी थी, तो एग्ज़ाम तो होनी थी, और फिर वो दो पेपर अचानक ले लिए, तो जो नौ नहीं पढ़ने वाले थे वो और भी पिछड़ गए कि नहीं होगी नहीं होगी। तो इसमें भी ये सिस्टम है कि अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, फालतू की चीज़ों में दिमाग मत लगाओ, एजुकेशन में ज़्यादा लफड़ाबाजी की जरूरत को नहीं हो, सिर्फ पढ़ाई की जरूरत हो, है ना। तो इम के करना है कि मैं बार बार कह रहा हूँ, अप्रैल ना पकड़ के चलो, अप्रैल में परीक्षा हो जाएगी, 60% सिलेबस है, वो भी थोड़ा दिन में बड्डो लाग लाग जाओगे, दर समझ में को नहीं आओगे कि आफा कर रहा के ऐ की स्थिति आ जाएगी कि आफा कर रहा के। तो भी स्थिति में के करागा थे बहुत शॉर्टकट तरीको अपनाओगा। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना बिना चैनल आगा नीचे जो कमेंट मारागा जेके विद काला सर, हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, किसी दूसरे चैनल पे जाओगे हमें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, फिर वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे डालेंगे कि 5-10 क्वेश्चन डाल देंगे, उनके आंसर नहीं डालेंगे, तो ये स्थिति आ जाएगी। तो अब भी के है, टाइम है, पढ़ लियो, सही है। लाइव आना को मकसद वही है कि फालतू में बैठा आ क्लास चल रही है, बैठा आ क्लास चल रही है, बैठा क्लास चल रही है, वो सिस्टम कदे नहीं अपनाना है। चाहे कोई से भी चैनलों पढ़ लियो थे, एक गंदी से गंदी बेकार से बेकार जो थाने किताब कदे बेकार को नहीं हो, अपन जो चीज़ थाने बेकार लग गए ना भी किताब ने थे पढ़ लियो, है ना, कि इस चीज़ में बहुत ही अड़को मिट रहे हो, पिन थे 10 बार पढ़ लियो वो भी थाने एक नंबर की तैयारी करवा देगा, और बेस्ट टू बेस्ट मेटर लियो दिन नहीं पढ़ागा तो वो भी कोई काम को नहीं। अब कोई कोई तो अन्य कहीं जहाँ कि जहाँ थोड़ा दिन पहले वीडियो अपलोड कर दियो जहाँ गुप्त साम्राज्य, तो अब नए सिलेबस में क्यों है कि नए सिलेबस में कुछ अट्यो तो आती कुन्नी ना, सॉरी बड्यो तो आती कुन्नी, अटाई है ऐ तो आती कुन्नी, कोई नयो चैप्टर जोड़ दियो। तो कमेंट है कभी अमित टावरा का गुरुजी गुप्त साम्राज्य दोबारा पढ़ाओगा के, तो दोबारा की क्या जरूरत पड़ेगी, वो ही गुप्त साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य दोबारा पढ़ाओगा के, तो इम कोई नई चीज जोड़ दी थोड़ी। हाँ एम के कि कोई पॉइंट हटा दिया, कहना मतलब कोई पॉइंट हटा दिया तो पहले तो आपने भाई दिमाग में रखनी है, अब पीडीएफ सामने रखनी है कि ए चीज हटा दी, है ना, तो ए चीज हटा दी तो आपने पढ़नी को नहीं, बाकी तो भाई चीजें थे कट्ठे ही पढ़ लो, कौन से चैनल पर पढ़ लो, से एक सा ही पढ़ा में, हाँ कोई थोड़ो बढ़िया पढ़ा दे, कोई थोड़ो मान ले तेरा कमजोर पढ़ा दे, बाकी मेहनत सही करें। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की, वेरी गुड। शिवराज मलिक कहाँ से हो, लेबर गेमिंग टू आप, तो 11-8 क्या कहे, थैंक यू वेरी मच। बस सर आप मैप जल्दी बताना, आरती शर्मा, हाँ मैप करवा दूंगा, मैप में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके ये ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के मेरे चार चार लेसन बकाया पड़े हैं चैनल पर, वो करवाने के बाद मैप ही करवाएंगे, पर एग्जाम से पहले मैप तैयार करवा देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आरती शर्मा, वेरी गुड। कोई तो यहाँ खैणियों भी मिल लियो, और कोई कोई एम भी खे, यार के पढ़ावा है तू, तेरे पढ़ाए रहो समझ में तो कौन, और भी खुद की पढ़ने की मरेगी नीत कौन रहे, खुद की पढ़ने की नीत न रहना तो वो दूसरा में के करे, दूसरा में वो आया खे कि इन तो पढ़ानो को नहीं आवा, इन तो पढ़नो को नहीं आवा, अरे भाया खुद पढ़ दे भी की तो होली को नहीं हुआ, खुद पढ़ लो बार बार पढ़ लो। ऑल एग्जाम पेपर, हाय हाय भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, बैठे बैठे ये तो मत देखें कितने क्या। अरे और कोई 10वीं में कितने नंबर लाने होंगे, 10वीं में भाया बढ़िया बढ़िया नंबर लिया, पास मार्किंग पर मत चाह लेके, 26 लाना पड़ेगा, 33 लाना पड़ेगा, सोच 90+ किसी राख, अभी तो टाइम पड़े हैं। कन्हैयालाल प्रजापत, गुड आफ्टरनून सर, नो लव नो टेंशन, बहुत अच्छा पढ़ाते हो,
सबीर 13, 26। विजय शंकर सर, आपका रियल नाम क्या है? रियल नेम है मेरा रमेश। हिंदी अनिवार्य का सिलेबस कम हुआ ना कोई जानकारी? बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तेज सिंह महाराज, खानपुर। हाँ, हिंदी अनिवार्य का मैं डालता हूँ। हाई फाई गुरुजी, 99%। ये सोच होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए कि देखो पल्ली से हथियार गिर दिया हम, नंबर कठू आऊंगा। पल्ली सोच रखो बड्डी, और भी बड्डी सोच ना, अन्य ना हो कि खाली सोच सोच ही रह जा। बिन अपनाना खातर हर संभव प्रयास करो। अब थाने तो यहीं लग गए है, अब तो अब लॉकडाउन लाग गयो। अब जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े ना बंद पूछो थे, व्हाट्सएप पर 2-4 PDF घेर घेर के आर के करो कि बोलो कि थारी क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। आर भी मना टाबरा को 20-20, 25-25 हज़ार फीस का मांगा लग रही है। अब घर कान पूछो थार लान आर थे के करो। सही ईमानदारी बताओ, एक भी क्लास पूरी कौन पढ़े? चाहे वह खुदारा मास्टर पढ़ाता हो और चाहे मैं पढ़ाता हो, एक भी क्लास ढंग से कौन पढ़े? पूरी क्लास तो देखे ही कौन ब्यू। पल्ली कमेंट कर देसी, लाइक अनलाइक कर देसी, आर भी कमी भी निकाल देसी, इन पढ़ानो ही कौन यार। प्रजापत सर ऑल द बेस्ट, सर ऑल द बेस्ट, क्लास वेरी गुड, 99%। बालाराम परमार, गुड आफ्टरनून सर जी। चलो ठीक है, तो भाई बहन हिस्ट्री सब्जेक्ट आपके पास है क्या? तो अब लाइव को बंद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करें, बढ़िया पढ़ाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, खराब न करें, इधर उधर न भटकें, और अच्छे से तैयारी करें। और ये ऐसे चलती रहेगी, स्कूल बहुत ही कम चांस है खुलने के, लेकिन एग्जाम होगी, इनका महत्व आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों। आपके प्रतिशत जोड़े जाएंगे और आपकी एग्जाम 101% होगी। तो बढ़िया तैयारी करें और अच्छे से ज़्यादा नंबर लेकर आए। धन्यवाद।